नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं राशिद। खबर है राजधानी दिल्ली में घटे 2020 में दंगों को लेकर, जिसमें कोर्ट ने ताहिर हुसैन को बड़ा झटका दिया है और उनके साथ ही 5 अन्यों के खिलाफ आरोप भी तय किए हैं। बता दें कि राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के मामले में अब दिल्ली की एक निचली अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और उनके 5 अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और दंगा भड़काने की धाराओं समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। बता दें उस दौरान मामले सुनने को आए थे और वीडियो फोटो सब देखने को मिले थे, जिसमें कई आरोप ताहिर हुसैन पर लगाए गए थे। अब इस मामले में कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि ताहिर हुसैन ना सिर्फ दंगा भड़काने में शामिल थे बल्कि उनके साथ ही दंगा करवाने में भी एक अहम भूमिका निभा रहे थे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस मामले में और भी टिप्पणी की है, लेकिन फिलहाल जो ताहिर हुसैन को लेकर आरोप तय किए गए हैं और उनके साथ जो अन्य 5 लोग हैं उन पर भी आरोप तय किए गए हैं। बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी अपनी चार्जशीट फाइल की थी और कई सारे सबूत भी दिखाई दिए थे, जिसमें ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर थे और उन सभी सबूतों को आधार बनाकर कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। बहरहाल आपको बता दें कि ये मामला भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब ये पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे तो पूरा पूर्वी दिल्ली दंगे की आग में झुलस रहा था। इन दंगों में करीब 50 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी, 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे और खास तौर पर ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़के थे, जब पूरे देश ने देखा कि कैसे दिल्ली में दंगे हुए, कैसे वहां कई दिन तक कर्फ्यू लगा रहा और आमने सामने दोनों समुदायों में खूब दंगे हुए, गोलीबारी हुई, आगजनी हुई। अभी देखना है इस मामले में और क्या अपडेट आती है और क्या बयान सामने आते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहित आवाज़।